नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 का पहला महीना जनवरी मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी जनवरी का महीना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या कुछ खास संभावना लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपको यह जानकारी देंगे कि 1 से लेकर 31 जनवरी तक की समयावधि में किस क्षेत्र विशेष में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को साल 2022 के शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से यही कामना है। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपकी ग्रह स्थितियां कैसी रहेगी, करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। उपाय के दौरान मेष राशि वाले जातकों को चार ऐसी बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिस पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेंगी और हर क्षेत्र में एक बेहतरीन साहस के साथ आप सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। तो बिना समय लिए राशिफल को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। जनवरी 2022 में मंगल 16 जनवरी तक आपके राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं और राशि के छठवें, आठवें और बारहवें भाव में को अच्छा भाव नहीं कहा जा सकता, यह भी आपको जानकारी देंगे। मंगल कैसा परिणाम आपको देंगे, मंगल के साथ केतु और चंद्र की युति यहां पर बनी रहेगी। 16 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपकी राशि से भाग्य भाव यानी नवम भाव में चले जाएंगे। जनवरी की शुरुआत में सूर्यदेव और शुक्र आपके राशि से भाग्य भाव यानी नवम भाव में रहेंगे, इसमें इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। शनि और बुध राशि से दशम भाव में रहेंगे। गुरु बृहस्पति राशि के 11th हाउस में पूरे महीने तक रहने वाले हैं। राहु राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे। पूरे महीने तक, पूरे जनवरी तक राहु राशि के द्वितीय भाव में ही गोचर स्थितियों में रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना कैसा जाएगा। तो राशि के दशम भाव से करियर का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव इस भाव में स्वयं मौजूद हैं और पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण करके राशि के दशम भाव में ही बुध के साथ गोचरी स्थितियों में मौजूद हैं। परंतु राशि के स्वामी मंगलदेव 16 जनवरी तक राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो करियर के लिहाज से मेष राशि वाले जातकों के लिए साल का जो पहला महीना रहने वाला है वो अच्छा जाएगा। कार्यों में आपका जो मन है उसमें एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। व्यापारी जातकों के लिए व्यापार का विस्तार होगा। यदि पूर्व के समय से करियर के दृष्टिकोण से नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी वह दूर हो रही है। आमदनी के लिए अच्छा रहेगा। साथ में पुराने व्यापार को लेकर यदि आप चल रहे हैं उसमें बेहतरीन संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। कार्य स्थल पर नौकरी पेशा जातकों को मान सम्मान भरी स्थितियां भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। परंतु राशि स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं तो महीने के मध्य तक कहीं न कहीं आपके मन में भ्रम की स्थितियां निर्मित हो सकती है। क्रोध की अधिकता देखने के लिए मिल सकती है। इसके कारण आपके व्यक्तिगत संबंधों में खराब स्थितियां निर्मित हो सकती है और महीने के मध्य तक कार्य स्थल पर भी कुछ आपको नोक झोंक और वाद विवाद निर्मित हो सकता है। तो सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ या आप जहां पर व्यापार कर रहे हैं
वहां पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए आपको अपने आवेग पर पूर्ण रूपेण ध्यान बनाकर चलना चाहिए। समन्वय बनाकर मन में चलने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखकर चलना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग भी इस महीने देखने के लिए मिलेगा। नए कार्य का यदि आप शुभारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय जनवरी का बेहतर रहेगा। यदि आपको धन को लेकर जानकारी दिया जाए, तो मेष राशि वाले धन भाव के स्वामी शुक्र राशि से भाग्य भाव में सूर्य के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। वही राशि के द्वितीय भाव में राहु देव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। धन को लेकर मेष राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में विशेष लाभ देखने के लिए मिलेगा। यदि आप बड़ा निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं, तो उसपे भी आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी। परंतु आपको अपनी जन्म कुंडली पर भी विशेष ध्यान रखकर ही चलना होगा। यदि बड़ा निवेश आप करने जा रहे हैं, तो ग्रहों की स्थितियां इस बार की ओर इशारा कर रही है। यदि आप पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, तो उसमें आपको बेहतरीन सफलता देखने के लिए मिलेगी। धन की निरंतरता बनी रहेगी। अचल संपत्ति का योग दिखाई दे रहा है। बृहस्पति एकादश भाव में उपस्थित है, तो आपके कम कर्म होने के बावजूद भी जो लाभ की प्राप्ति है आपको जीवन में ज्यादा होगी। एक से अधिक माध्यम से लाभ अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान के द्वारा, वाणी के द्वारा धन अर्जन कर सकते हैं। विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो विदेश से धन आगमन होने की संभावना बनेगी। आमदनी में वृद्धि भी होगी और इस महीने माह के मध्य तक कर्ज भी और खर्च भी काफी ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे। अब मेष राशि वाले जातकों को यदि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो जनवरी के महीने में परिवार से एकजुटता का भाव भी एक ओर दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर यदि परिवार के व्यक्तिगत संबंधों में जुड़े हुए व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें यदि आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे, तो व्यर्थ का वाद विवाद निर्मित होने की प्रबल संभावना पारिवारिक जीवन में दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद भरी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। इसमें मेष राशि वाले जातकों को यहां पर ध्यान रखना है कि परिवार में समन्वय बनाकर चलें। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ का वाद विवाद और नोक झोंक उत्पन्न करने से इस महीने बचना चाहिए। जनवरी 2022 में परिवार में खुशी का माहौल भी निर्मित हो सकता है। मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, जिसमें आपकी व्यस्तता रहेगी, आपकी जिम्मेदारी रहेगी और उस पर आपको अमल लेना चाहिए। पूर्ण रूपण प्रयास करके पूरा भी करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यदि आपको शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए यह जो महीना रहने वाला है जनवरी का, विशेष अच्छा रहेगा। साहस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। शिक्षा में यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। पूर्व के समय से चल रहा आलस्य और आपके अंदर निरुत्साहिता, कम क्रियाशीलता दूर होगी। शिक्षा में आपका प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा और जनवरी का महीना आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर है। वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए, तो प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए रोमांस के अवसर देखने के लिए मिल सकते हैं। घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है। वही वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों को पार्टनर का सहयोग देखने के लिए यहां पर मिल रहा है। परंतु वाद विवाद करने से आपको पुनः बचने की आवश्यकता रहने वाली है। महीने के मध्य तक राशि स्वामी अष्टम भाव में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना वैवाहिक जीवन में भी दिखाई दे रही है। तो यहां पर विशेष सावधानी मेष राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि संतान प्रगति करेंगे, संतान की उन्नति से आपके मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। मेष राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित है, उनके जीवन में भी वैवाहिक प्रस्ताव की प्रबल संभावना जनवरी के महीने में यहां पर दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से आपको बेहतर लाभ देखने के लिए इस माह मिल रहा है। अब यदि आपको स्वास्थ्य की जानकारी दिया जाए, सेहत बहुत मुख्य पहलू है।
क्योंकि यदि स्वास्थ्य सही रहता है तो प्रत्येक कार्य को करने का एक जुनून और भाव अच्छा रहता है। तो सेहत के मामले में राशि का छठवां भाव जिम्मेदार होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का मुख्यतः विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बुधदेव राशि से दशम भाव में शनि के साथ युति बनाकर गोचर में रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य में ज्यादा किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। शारीरिक रूप से ज्यादा किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु मानसिक रूप से माह के मध्य तक ज्यादा क्रियाशील रहने की वजह से मानसिक तनाव, भ्रम भरी स्थितियां, अनिद्रा की समस्या निर्मित हो सकती है। तो यहां पर आपको विशेष रूप से सूर्य नमस्कार और ध्यान करना चाहिए। सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठ जाए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको सलाह दी जा रही है कि क्रोध पर भी विशेष रूप से नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से मेष राशि वाले जातकों को, ये तो हम बहुत पहले से ही आपको बता रहे हैं, दूरी बनाकर चलना चाहिए। वही विद्यार्थी जातक जो हैं, उन्हें विशेष रूप से यह सलाह दी जा रही है कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य लाइफ जीने का प्रयास करें, ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो बेहतर संभावना सेहत के दृष्टिकोण से जरूर देखने के लिए मिलेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय जिसको करके बेहतर संभावनाओं का निर्माण जनवरी के महीने में आप कर सकते हैं। धार्मिक उपाय बताने से पूर्व मेष राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि किसी भी कार्य को यदि आप जीवन में कर रहे हैं तो आत्मविश्वास के साथ करें, कार्यों में निरंतरता का भाव जरूर रखें। आत्मविश्वास के द्वारा इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब किसी भी कार्य को आप निरुत्साहिता के साथ और विश्वास बिना अंदर रखे पूरा करेंगे तो उसमें आपको कम सफलता निर्मित होगी। मेष राशि वाले जातकों को जीवन में दूसरा विशेष कार्य यह करना है कि जिस भी कार्य को आप करें उसमें प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। जब आप खुश होकर कार्य करेंगे, अपनी असफलता से सीख लेकर अनुभवों को जोड़कर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर संभावना ज्यादा है कि आपको सफलता जीवन में निश्चित मिलेगी। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में, जब भी हमने देखा है कि मेष राशि वाले जातकों को जीवन में चापलूस व्यक्तियों की सलाह बहुत ज्यादा नुकसान में लाती है, तो यहां पर विशेष रूप से संगति पर आपको ध्यान रखकर चलना है। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप बिल्कुल भी ना रहें जो आपके उत्थान में बाधा बनाते हैं या बाधा निर्मित करते हैं। चौथम, मेष राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राशि स्वामी राशि के अष्टम भाव में चले गए हैं, इसलिए ये सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर आपको जरूर चलना चाहिए। चौथा कार्य मेष राशि वाले जातकों को यह करना है कि जीवन में जब भी किसी प्रकार की असफलता आपको निर्मित हो उससे आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। जीवन में यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो हजार बार भी यदि आपको असफलता मिलेगी तो हजार बार आपको सबक जरूर मिलेगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, समय प्रबंधन पर भी विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। पुराने समय में आपने क्या गलतियां की है उसको भी जीवन में जरूर सीख लेना चाहिए, तो यहां पर बेहतर संभावना निर्मित होगी। अब धार्मिक उपाय आपके लिए यदि बताएं तो जनवरी के महीने में अशुभ मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और नित्य सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं और मंगलवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को लाल कपड़े दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र या लाल साड़ी दान करें। जरूरतमंद व्यक्ति को मीठी पूरियां बनाकर खिलाना चाहिए मंगलवार के दिन। और साथ में मेष राशि वाले जातकों को गायत्री मंत्र का जब विशेष रूप से करने की आवश्यकता इस महीने रहने वाली है। गायत्री मंत्र एक प्रामाणिक मंत्र है जिसको विज्ञान ने पूर्ण रूपण सिद्ध किया है,
लाइव सिद्ध किया है कि यह मंत्र इतना ज्यादा कारगर है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्साह की भावना को लाता है, मन में एकाग्रता और आत्मशक्ति जागृत करने वाला यह एक बेहतर मंत्र है। नित्य प्रति इसका जप जरूर करें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको घर में छोटे बच्चों को भी आप जरूर सिखा दें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।